हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो जैसे पीपीएमईटी का रिजल्ट आ चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बच्चे कब से वेट कर रहे हैं, इस वीडियो में जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज जो है वो मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस भी आ चुका है कि कब से कब तक करनी है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दूंगा। एक बार ओवरव्यू जान लो कि नेक्स्ट स्टेप है क्या। अब आपको ना आपकी आईडी, जिस आईडी के थ्रू आपने अप्लाई किया था, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, सेम आईडी को जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे ना प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी होगी। तो वहां पर आप अपने सिलेक्टेड कॉलेजेस जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसकी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल कर लीजिए, प्रेफरेंसेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और उस प्रेफरेंसेज को सिलेक्ट करने के बाद उसकी एक डेट है, लास्ट डेट कब तक कर पाएंगे मैं नोटिस दिखाऊंगा। फिर फाइनली वहां पर उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, आपको आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने जो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट की हैं उनमें से वो पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद एक स्पेसिफिक डेट गिवन है, वहां पे आप जाके उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में अपनी एडमिशन को ऑफलाइन करवा सकते हैं। प्रेफरेंस फिल ऑनलाइन होनी है, एडमिशन उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके ऑफलाइन होनी है, और जो फीस डिपॉजिट करनी है वो ऑनलाइन होनी है। उसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा पेमेंट का लिंक, वहां पर आपको जो भी फीस है आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज की वो पे करनी होगी। ये स्टेप्स हैं सिंपल। अब आइए ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि क्या है, और उसके बाद जो बच्चे कब से मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज में जाऊं या वो कॉलेज में जाऊं, आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो अब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप ये नोटिस देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला, जैसे आप ये इस नोटिस में देख पा रहे हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल सबमिट प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म पर्सनली बाय हैंड इन द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स ग्रेडुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब एंड सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। मतलब अकेला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपको उसकी ग्रेडेशन करवानी भी जरूरी है। अगर आपने ग्रेडेशन करवाई हुई है तो वो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विद ग्रेडेशन एंड अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड आपको बाई हैंड डिपॉजिट करवाने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुरियर करने हैं, बाई हैंड डिपॉजिट करवाने हैं। कब तक करवा सकते हो? 22 अगस्त तक करवा सकते हो, 22nd ऑफ 8th मंथ। ठीक है, 22 अगस्त तक आप ये करवा सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन ही है, तो जल्दी से करवा लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑल पीपीएमईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल सबमिट ऑनलाइन प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस कैटेगरी थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी लॉगिन करनी है, वहां पे आपको प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। जब आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे, कब से कब तक कर सकते हो, 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कर सकते हो, और ये फाइनल सिलेक्ट करके सबमिट कर देना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्ट करते टाइम बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान। वहां पे ना 2 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक होगा यूनिवर्सिटी कोटा और एक होगा मैनेजमेंट कोटा। यूनिवर्सिटी कोटा का मतलब होगा एक तरीके से गवर्नमेंट सीट, मतलब जो यूनिवर्सिटी अलाउ करने वाली है। दूसरी मैनेजमेंट कोटा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्राइवेट सीट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो उसकी तो एक ही कैटेगरी शो करेगी, क्योंकि उसमें प्राइवेट सीट तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कैटेगरी को स्पेशली ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी कोटा सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मैनेजमेंट कोटा, मतलब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कोटा है या यूनिवर्सिटी कोटा है उसके थ्रू सीट ले सकते हो, या फिर आप प्राइवेट सीट जो है वो ले सकते हो। दोनों के बीच में फीस डिफरेंस रह सकता है, अपने रैंक के अकॉर्डिंगली ध्यान से सिलेक्ट करना। ठीक है, और एक और चीज सिलेक्ट करते टाइम ध्यान देनी है, पिछली बार ना कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे 3 प्रेफरेंसेज आपने सिलेक्ट करनी है। पिछली बार एक दो बच्चों ने ऐसा कर दिया था कि जो प्रेफरेंस फर्स्ट होनी चाहिए उसको थर्ड पे रख दिया था, थर्ड होनी चाहिए उसको सेकंड पे रख दिया था, उल्टा कर दिया था। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे आपकी फर्स्ट रहनी चाहिए, ध्यान से देख के सेव करना है। ठीक है, एक बार आपने वो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर ली, आपने सेव कर लेना है। होपफुली वहाँ पे इसके कोई एक्स्ट्रा फीस डिपॉजिट नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग की फीस आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पे कर दी थी, आई होप आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट, ये 29 अगस्त तक हो जाएगा। ये जो आपने प्रेफरेंसेज सेलेक्ट करी हैं इनमें से आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कब तक, 29 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ गलती हुई है, मुझे ये कॉलेज होना चाहिए था, अगर आपको कुछ लगता है तो आपको 30 अगस्त तक ये पॉइंट करना है, और बाई फिजिकली आपको जाके वहां पर ये रिक्वेस्ट करनी है। 30 अगस्त तक कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो ये मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लिस्ट
ये चेंज हो गई, 31 अगस्त तक आ जाएगी। और उसके बाद आपको सीट्स कब अलॉट होंगी, कैंडिडेट्स टू होम सीट्स विल बी एलोकेटेड विल रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट कॉलेज फॉर ज्वाइनिंग। चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पर, एलिजिबिलिटी चेक होगी, मेडिकल चेकअप होगा, आपकी फीस तो आपने ऑनलाइन डिपॉजिट करवा देनी है। और ये कब से कब तक, 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में। तो 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में आपकी जो फाइनल एडमिशन है वो हो जानी है। एडमिशन ऑफलाइन होनी है कॉलेज में रिस्पेक्टिव जाके, जो प्रेफरेंसेस फिलिंग है वो ऑनलाइन हो जानी है, अलॉटमेंट लिस्ट ऑनलाइन आ जाएगी, जो फीस डिपॉजिट है वो भी आपकी ऑनलाइन यहाँ पे लिंक आएगा, वहीं पे डिपॉजिट होगी। तो ये है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डिटेल्स भी ऐसे ही फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट्स वेकेंट बचेंगी उसके हिसाब से पब्लिश की जाएंगी। ठीक है जी, अब आपको कॉलेजेस कौन से सिलेक्ट करने हैं। देखो, अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आपका रैंक लेट्स से लेस देन 50 है या इवन लेस देन 100 है, अगर आपका रैंक लेस देन 50 है फिर तो आप जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे लगभग वही कॉलेज आपका हो जाएगा। मतलब जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहोगे, जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। 50 रैंक से बिलो हो शॉर्ट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल जानी है। तो ध्यान से 3 कॉलेजेस फिर भी सिलेक्ट करने होंगे होपफुली, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका रैंक ग्रेटर देन 50, लेस देन 100 है या लेस देन 150 है, 50 से 150 के बीच में है, तो जो आप 3 प्रेफरेंसेज सिलेक्ट करने वाले होंगे आपको उन्हीं 3 प्रेफरेंसेज में से आपका कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। इन केस आपका रैंक 300 या 400 से लेस है फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से सोच के कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। मतलब 1 या 2 कॉलेजेस आप ऐसे रख लीजिए जो आपके एक्चुअल में डिजायर्ड है, बाकी रैंक के अकॉर्डिंगली थोड़ा रख लीजिए। क्योंकि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे का रैंक मान लो 2000 है और वो कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करी जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं बच्चों के, और बाद में उसको ना मिले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक का वेट करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस ऐसे सिलेक्ट करना जिसमें आपको मिल भी सकती हो, आपका डिजायर्ड भी हो। अब कौन से कॉलेज में जाना चाहिए कौन से कॉलेज में नहीं, मेरा सीधा सा सुजेशन ये है कि पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मेरे पसंदीदा 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपका पटियाला हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका फरीदकोट। ये 3 सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है। अगर आपका रैंक इससे थोड़ा पीछे है तो आपको थोड़ा ध्यान से सोच के सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि किस में मिल सकती है किस में नहीं। मुझे रैंडमली बच्चे अपना रैंक भेज के पूछे जा रहे हैं कि मैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूँ। मेरे कहने पर भाई आपको कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता, बिकॉज ऐसे ही कोई रैंडमली कॉलेज में सजेस्ट नहीं कर सकता। मैं एक बात आप लोगों को डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि आपको कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिनका हॉस्पिटल खुद का हो तो बहुत ही बढ़िया, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट करने वाले हो जिनका खुद का हॉस्पिटल हो, क्योंकि क्योंकि ये जो डिग्री है ना नर्सिंग, ये प्रैक्टिकल डिग्री है, इसमें आपको स्किल सीखना है। तो अगर उनका रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल भी साथ होगा तो उनकी ट्रेनिंग हो गई, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, उस हॉस्पिटल में लग रहा होगा, इजीली लग भी जाएगा, हॉस्पिटल की वैल्यू भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी रही होगी, तो आपकी जो डिग्री है वो काफ़ी स्मूथली भी रहेगी, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, सीखने को भी अच्छा मिलेगा, आगे वैल्यू भी अच्छी होगी। तो ट्राई कीजिए कि आपको ऐसा कॉलेज मिले जिनका हॉस्पिटल साथ में है। ठीक है, माय सजेशन इज ऐसा कॉलेज लीजिएगा जिनका खुद का हॉस्पिटल जो है वो साथ में हो। ठीक है, अब मैं आपको, आप मुझे रैंक भेज रहे हो और कॉलेज पूछ रहे हो कि कौन सा, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके 2-3 रीज़न हैं, मुझे नहीं पता आपको हॉस्टल चाहिए कि आप अप डाउन करने वाले हो, मुझे नहीं पता कि आपका आफ्टर डिग्री गवर्नमेंट जॉब का प्लान है या फिर आपका आफ्टर डिग्री फॉरेन का प्लान है, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी, जो फी स्ट्रक्चर है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज का, फिर प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट सीट जिसको यूनिवर्सिटी कोटा बोल रहे हैं और मैनेजमेंट सीट उनका अलग अलग हो सकता है। तो ये कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे रैंडमली नहीं किया जाता। कुछ बच्चे मुझे ABC कॉलेज का नाम भेज के भी या कॉल पे भी पूछ रहे हैं कि ये ABC कॉलेज कैसा है। अब देखो, कॉलेजेस सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज बुरा होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंगली कौन सा अच्छा है ये देखिए। और माई ऑनेस्ट सजेशन इज, अगर आप टॉप कॉलेज ले रहे हो जैसे राजेंद्रा पटियाला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, अमृतसर या फरीदकोट हो गया, DMC हो गया, जो वेल नॉन रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, उनमें तो आप चॉइस फिल कर लोगे, अगर आपका रैंक अच्छा है तो वेल एंड गुड। लेकिन उसमें मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पर, उसमें कुछ 110 कॉलेजेस थे नर्सिंग के, तो 110 कॉलेजेस PPMET के अंडर आ रहे हैं, उनमें से कौन सा कॉलेज
अगर आप ऐसा सिलेक्ट कर रहे हो रैंडमली ABC XYZ, तो मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता। माय ऑनेस्ट सजेशन इज़ कि आप ना ऐसा करें, थोड़ा टाइम निकालें, फिजिकली विजिट करें, उस कॉलेज में जाके थोड़ा माहौल देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें कैसा है, कॉलेज को एक बार विजिट कर लीजिए, आपको कॉलेज का एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कहीं वो बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेलिटी पे तो नहीं है, कल को आने जाने ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, उनका खुद का हॉस्टल है कि नहीं है, मेस वगैरह कैसी है, ठीक है, उनका खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं है, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स आपको साथ साथ देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। इनकेस अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपके ऑनलाइन ऐसे सेशन हम रख रहे हैं लाइव, जिसमें आप लोगों को पर्सनली गाइड भी कर रहे हैं, कॉल भी करके यहाँ पे बुला भी रहे हैं, आपको इंडिविजुअली गाइडेंस मिल रही होगी, तो प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी। अगर आप हमारे पास एनरोल नहीं है ना, तो मैं आपको ऐसी रैंडमली कॉलेज सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। उसका रीज़न भी बताया मैंने कि मुझे ये कितने सारे पैरामीटर्स पता हो, आपकी प्रोफाइलिंग पता हो, तभी मैं आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर दे पाऊंगा, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। मैं ऐसे ही रैंडमली कोई देखे आपको कल को उसमें एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे तो वो मैं नहीं चाहता, तो ये बात थी। तो बाकी आप बहुत सियाने बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, मुझे पक्का पता है आप बहुत अच्छे कॉलेज ही सिलेक्ट करने वाले हो, और कमेंट में जरूर बताना आपका टॉप प्रायोरिटी कॉलेज कौन सा है। ये चॉइसेस फिल कर लीजिएगा टाइमली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसे ही इस चैनल पे आती रहेंगी हमेशा, दैट इज प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।